तो मिस्टर यान देखिए एग्जांपल 1.8 अ स्फेरिकल वाटर बलून इज रिवॉल्विंग एट 60 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% ऑफ द वाटर लीक्स आउट विद व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ निगलेक्ट ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहले तो आप न्यूमेरिकल समझिए कि न्यूमेरिकल है क्या, उसके बाद समझेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल लगने वाला है। ये देखिए ये कोई स्फेरिकल बलून है दोस्तों और ये एक्सिस है। इस एक्सिस पे ये जो स्फेरिकल बलून है इट इज रिवॉल्विंग एट 60 रेवोल्यूशन पर मिनट विच इज इक्वल टू 60 रेवोल्यूशन पर 60 सेकेंड विच इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मिस मधुविका कोई डाउट इस बात में 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड? नो सर। ओके बेटा ऐसा है अब ये रिवॉल्व कर रहा था और इसमें से वाटर निकलना शुरू हो गया, वाटर निकलना शुरू हो गया। जब वाटर निकलना शुरू हो गया देखिए उसने बोला कि बाकी सब जो तामझाम दुनियादारी है उस सबको बोलता हूँ लिख दिया उसने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि सर ऐसा है कि अब जो बलून है आप ये बताइए कि इस बलून की जब 48.8% वाटर लीक हो चुका होगा ये तो निकल गया तो रहा कितना 0.2 151.2% वाटर इज रिमेनिंग। दोस्तों समझ आ रहा है अपने आप से बातें करता जा रहा हूं? समझा सर। रेवंदी आपको समझ आया? जी सर। तो पहले तो प्रॉब्लम समझिए उसके बाद देखेंगे कैसे करना है, क्या प्रिंसिपल लग रहा है, पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए। तो ये 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड पे घूम रहा है और वाटर लीकेज हुआ कितना हो गया 48.8% वाटर लीक कर गया कितना रह गया 51.2% वाटर is remaining 8 2 1 8 9 10 5 4 9। हाँ बिल्कुल ठीक है करेक्ट। राहुल जी प्रॉब्लम समझ आ गई? जी सर। ये तो आपको पता ही है कि यार रोटेशनल मोशन चल रहा है तो रोटेशनल मोशन का ही चैप्टर वो टॉपिक चल रहा होगा। एंगुलर मोमेंटम का चल रहा था, लास्ट टाइम हमने एंगुलर मोमेंटम की डेरिवेशन की। तो अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपके सामने कंजर्वेशन ऑफ रोटेशनल मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ रोटेशनल मोमेंटम आपको ये बोलता है कि सर ऐसा है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क अगर कोई बाहर से कोई और टॉर्क नहीं लग रहा तो प्रोडक्ट ऑफ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ I2 ओमेगा 2। इसको देख के आपको थोड़ी सी परेशानी होगी बट परेशानी की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज द सेम एज व्हाट यू हैड डन लास्ट ईयर इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में भी ऐसे आपको कराया जाता है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वो लीनियर मोमेंटम है तो उसमें बात होती है एक्सटर्नल फोर्स की। तो m1 v1 is equal to m2 v2। दोस्तों समझ आ रहा है? हाँ सर। तो m1 v1 is equal to m2 v2 का रोटेशनल कजन, m का रोटेशनल कजन, अब तो ऑलमोस्ट एक महीने से बात चल रही है, m का रोटेशनल कजन होता है i, v1 का ओमेगा, m2 का i2 और v2 का ओमेगा 2। रेवन जी कुछ समझ आया नहीं आया? तो यही बेसिकली यार ऐसा है कि यही जो लीनियर मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला उठा के बेसिकली आपने उसको रोटेशनल मोशन का बना दिया, दैट इज इट। आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगा जा रहा, उसको एज सच आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसमें एक लाइन ऐड हो जाती है कि सर इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क। मधु जी समझ आ गया? हाँ सर। मधु जी यही कंजर्वेशन ऑफ रोटेशनल मोमेंटम है। आपकी टेक्स्ट बुक में इस कंजर्वेशन ऑफ रोटेशनल मोमेंटम का ये एक छोटी सी डेरिवेशन दी हुई है यहाँ पर। ये डेरिवेशन भी हम करेंगे बट मैं चाहता हूँ ये डेरिवेशन से पहले, इस डेरिवेशन से पहले आप एक बार इसके न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। हम उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये यहाँ पर डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन थोड़ी देर बाद करेंगे बट पहले हम उसका न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि सर अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर। मिस्टर राम जी सर। ओके अब देखिए अब इसके बाद तो ज्ञान गणित शुरू हो जाता है यार, मैथ ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा एक कंसेप्ट लगेगा सर्फेस एरिया वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम का चैप्टर का क्लास 10th का वो भी थोड़ा समझ लीजिए। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है यार 4/3 πr। याद है नहीं याद? स्फीयर का वॉल्यूम, हाँ सर स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3
बाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो ये जो स्फीयर होगा इसका ये जो रेडियस होगा दैट इज द, वो इसका रेडियस है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 πr³. ओके, 48.8% वाटर उसने लीक कर दिया तो रह गया कितना 51.2% रिमेन्स. अब यार ये बात याद रखिए, थोड़ा आपके अगर आप न्यूमेरिकल्स करते रहते हैं थोड़ी अकल होनी चाहिए. वो 48.8% आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपकी जो कैलकुलेशन है उसको ईजी करने वाला. मेरी बात समझ आई नहीं है बस मधु? वो कैलकुलेशन इजी कैसे होगी वो अभी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा. तो उसने ये जो नंबर लिया ना 48.8%, वो कुछ सोच समझ के लिया, वो आपको हेल्प करने वाला. मैं बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जरा नंबर को संभाल के रखिए, ये नंबर आपकी हेल्प करेगा. तो 51.2% रिमेन्स, कहने का मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगा जब वो पिचक गया, जब वो छोटा हो गया, जब वो छोटा हो गया, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 512/1000 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम होगा. अरे हाँ जी, ये मैथ समझ आया नहीं यार? समझा. ओके, अब ये तो आपको पता होना चाहिए. अब इस पे तो कोई यार बात नहीं चल रही क्योंकि ये तो पुरानी बात होगी कि स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज गिवन बाय 2/5 mr², वेयर m इज द मास एंड r इज द रेडियस. ये बात क्लियर? सर ये बात क्लियर? हरियाणा जी ये बात, अगर ये सब जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर है तो न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है यहाँ पर. उसमें सिर्फ ये याद रखिए कि मैंने 2/5 mr² को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैंने जो 2/5 mr² लिखा जाता है उसको मैंने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू r². हरियाणा जी कोई डाउट है इस स्टेप पे? नहीं सर, समझ. अब क्यों लिखा है ये भी अभी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा. और मुझे याद आया यार जो वॉल्यूम है वो तो 4/3 πr³ के इक्वल होता है, तो मैंने डाला. और जो क्यूट सा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्फीयर का 2/5 mr² होता था उसको मैंने ऐसा अजीब सा एक फॉर्मूला बना दिया 8/15 πr² r^5. जी समझ आया? ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा. तो ये सारा मैथ ही चल रहा है यार, ये क्लास 10th का मैथ ही चल रहा है, क्लास 10th के फॉर्मूले चल रहे हैं अभी तक. तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो 512/1000 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³³. आर टू जो है वो ये जो पिचका हुआ था ना, ये इसका रेडियस, और जो आर वन है वो पहले वाले का रेडियस. वही बात समझ आ रही है? हाँ सर. तो अब देखिए ये स्टेप अगर आपको समझ आया, 4/3 πr² 4/3 πr² 4/3 πr², ये दोनों तरफ से झड़ गया, तो जो r2 है वो आ गया 8/10 r1. यहाँ पर आपको समझ आएगा कि आप जब दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे तो ये 8 8 64 64 8 512. इसलिए उसने 40 जो भी उसने लिया था, 42.8 जैसा भी लिया था. मधु जी समझ आया? हाँ सर समझा. तो जो R2 जो है दैट इज 4/5 ऑफ R1. मिस्टर यहां तक बात क्लियर है? मिस्टर यहां क्लियर? मिस मधु क्लियर? थोड़ा सा मैथ ज्यादा इन्वॉल्व है, फिजिक्स कम इन्वॉल्व है. फिजिक्स तो यहाँ ये देखिए सिर्फ इस फॉर्मूले, फिजिक्स तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला है I1 ω1 = I2 ω2. बाकी सब तो मैथ ही चल रहा है. तो अब मैंने जो I1 की वैल्यू है वो देखी, अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ 8/15 πr^5. और क्योंकि ये इनिशियल कंडीशंस हैं, ये वाली जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखी है, मैं ये लाइनें क्लियर करके, क्योंकि इतनी सारी लाइन देख के आप डर जाओगे. अब सफाई से मैं आपको बता देता हूँ. ये देखिए ये जो है ये वो इनिशियल जो मोटू बलून था उसका लीक होने के बाद वो I2 ω2 पे घूम रहा है, और ये जो ओमेगा है बार बार 50 बार 100 बार हो चुका है, ओमेगा होता है 2πf के इक्वल. ये देखिए ये जो I1 है इसमें डाल दिया मैंने ये मोटू वाला फॉर्मूला. ये देखिए 8/15 πr^5 ω1, ओमेगा में लिखा 2πf, f की वैल्यू ये 60 रेवोल्यूशन पर मिनट थी, तो ये 60 revolution per 60 second is equal to 8
by 15 pi rho r 2 raised to power 5 into 2 pi f. भाई यहाँ कुछ समझ आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इतने ज्यादा नंबर देख के समझ रहे। अब आप देखेंगे तो दोनों तरफ से एकदम मक्खन की तरह ये सारा ताम झाम सारा का सारा निकल जाएगा। और शायद अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि मैंने मास को डेंसिटी में क्यों बना दिया ना, क्योंकि जो भी लीकेज वगैरह रही डेंसिटी जो है वो तो सेम ही रहेगी दोनों तरफ से, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये आ गया आर वन रेस्ट पावर फाइव और ये आ गया आर टू रेस्ट पावर फाइव और बाकी जितना भी ताम झाम है सारा का सारा डिलीट हो चुका है। मधु जी समझ आ रहा है? हाँ सर समझा। सर आपको इतने सारे नंबर्स देख के डर लग रहा है, मैं अब आपके सामने ये सारे नंबर्स डिलीट कर देता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा कि एक्चुअल में जो समय वो कितना इजी हो गया। ये 60/60 जो है वो 1 ही है तो ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये कैलकुलेशंस में अगर आप आराम से थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो चलती रहेंगी, अगर जानवर की तरह करेंगे न्यूमेरिकल्स आपके गलत होने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा स्टेप्स को ध्यान देना पड़ेगा। तो अब मुझे फाइनली करके मेरी ये पूरा ज्ञान गणित करके ये बन गया। मुझे लगता है मैंने एक यहाँ पर एक्स्ट्रा काट दिया, देखो शायद वापस आ जाए। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सारे नंबर है, करने वाला खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। ओके नहीं ठीक है हाँ ठीक सर। फाइनली आपको याद आया, पहली आपको याद आए कि यार ये जो था ना ये जो R2 था, ये जो R2 था इसका रिलेशन है यहाँ मैंने डेवलप किया हुआ है। तो आपने R2 की जो वैल्यू है यहाँ से उठा के डाल दी 4/5 R1 raised to power 5 into F। समझ आया नहीं यार? समझा फिर से। अब दोनों तरफ आपने फिफ्थ रूट लिया, जब आप फिफ्थ रूट लेंगे दोनों तरफ ये फाइव कट जाएगा और इसके ऊपर 1/5 आ जाएगा, वो मैं लिखा यहाँ एफ रेशो 1/5 इज इक्वल टू उस साइड जाके 5/4 आएगा। फिर आप रेस्ट पावर 5 कर दीजिए, मुझे इस तरह इजी लगता है, आपको कोई और मेथड अच्छा लगता है तो वो कर लीजिए। तो एफ की वैल्यू आएगी 5/4 रेस्ट पावर 5 विच इज इक्वल टू 3.052 रेवोल्यूशन पर सेकेंड वाई, क्योंकि यहाँ पर आप रेवोल्यूशन पर सेकेंड में घूम रहे थे। मिस्टर राम कुछ समझ आया नहीं? फ्रेंकली ये क्वेश्चन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे आपसे न्यूमेरिकल होने नहीं वाला। अगर एग्जाम में डिटो न्यूमेरिकल आ गया आप नहीं कर पाओगे। आपकी बुक ने कुछ पता नहीं क्या किया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया यार। आपको समझ आता है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, बट फाइनली जो आंसर है वो यही आना चाहिए 1.25 रेज़ टू पावर 5। ये जो 1.25 रेज़ टू पावर 5 है ना दोस्तों, ये हमारा 5/4 रेज़ टू पावर 5 है। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। आप बुक को समझ सकते हैं तो समझ लीजिए यार, मैं तो मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा आपकी बुक में। ये देखिए ये वाला मिस्टर डाउट, मिस्टर कौन को डाउट? नहीं सर। आपने किया क्या है? सिर्फ ये किया आपने कि जो मास है उसको आपने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी और जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो उसमें आप ये यूज कर रहे हैं, ये पंडा यूज कर रहे हैं। मुझे ये वाला मेथड इजी लगता है, आपको अगर बुक का मेथड अच्छा लगता है वो फॉलो कर सकते हैं। बस मधु कोई डाउट? नो सर नो डाउट। अच्छा ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ये जो क्वेश्चंस बता रहा था, ये सारे जो क्वेश्चन मैं अभी जो आपको जो एज अ होमवर्क आपको दिए देख लीजिए, इसके भी मैं ट्राई करता हूँ आपको सॉल्यूशन दे दूँ। तो जैसे बैले डांसर है, स्पिन्स एट वर्टिकल आर 90 आरपीएम विद आर्म्स टेस्ट विद द आर्म्स फोल्डेड द मास मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट द सेम एक्सिस रोटेट। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा I1 ω1 = I2 ω2, उसी से करना है आपको। कोई बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर समझा। तो ओमेगा की बजाय आपको लिखना पड़ेगा 2 पाई एफ 1
और यहाँ लिखना पड़ेगा आई टू इज इक्वल टू टू पाई एफ टू। वैसे तो न्यूमेरिकली हो गया, अगर आप देखेंगे ये टू पाई टू पाई टू पाई टू पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आई वन है ये आई टू है, और उसने बोला है आर्म फोल्ड कर दिए तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी जो है चेंजेस टू 75%, मतलब जो आई टू है दैट इज 75% ऑफ आई वन। रेवन जी नहीं समझ में आ रहा, समझ रहा। और ये जो एफ वन है वो क्या है 90 रिवोल्यूशंस पर मिनट, मैं उसको वैसे ही दे रहा हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई एम सॉरी किसके इक्वल हो जाएगा एफ टू के, टू के, और यहां से आप कैंसलेशन करेंगे तो क्या हुआ आई वन, आई वन कटे 90 इंटू 4/3 इज इक्वल टू एफ टू, एफ टू क्या आ जाएगा 390 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। इस मतलब समझ आया? हाँ सर समझा। मिस्टर रियान समझ आया? समझा सर। देखिए आपकी हिम्मत पर डिपेंड करता है, फिर से तीसरा न्यूमेरिकल आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, करना आपने ही। देखिए टू व्हील्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेट साइड बाय साइड एट द रेट ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट एंड 240 रेवोल्यूशन पर मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यार ये अपोजिट डायरेक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप एक को पॉजिटिव मानते हैं इस साइड घूम रहा है, एक को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरे को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। मिस्टर यौन समझ नहीं आया? समझा सर। बेटा इसका जो मोमेंटम है, जो लीनियर मोमेंटम आप लेते हो वो वेक्टर क्वांटिटी, तो जब आप उसकी डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन या जो भी कह रहा है वो डायरेक्शन ऑफ क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करते हैं तो अगर इसको मैं पॉजिटिव मानता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों चिपक गए, ऐसे करके चिपक गए, और इन्होंने अपने एक इस पे कॉमन एंगुलर स्पीड पे इन्होंने रोटेट करना शुरू कर दिया। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द रोटेशन। दोस्तों को समझ आया नहीं आया? समझा सर। मैडम ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। थोड़ा हाथ पैर मारिए, मैं सारे न्यूमेरिकल मैं करूंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, हाथ पैर मारिए, नहीं होगा तो कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, जैसे अब ये है, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, टिपिकल से न्यूमेरिकल है, और इन्हीं में से कोई आ सकता है क्योंकि ये आपकी लास्ट एडिशन है महाराष्ट्र बोर्ड की। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क विद प्लेन हॉरिजॉन्टल, विद इट्स प्लेन हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे करके एक डिस्क है रोटेटिंग थ्रू इट्स सेंटर विद अ स्पीड ऑफ 180 रेवोल्यूशन पर मिनट, स्मॉल पीस ऑफ वैक्स 1.9 ग्राम यहाँ पर आके गिरता है vertically on the disc and sticks to it at a distance 25 cm. ये यहाँ से 25 cm away. If the speed of rotation is now reduced to 60 rpm, calculate the moment of inertia of the disc. इस पे भी आपका जो लगेगा यही formula लगेगा, कैसे लगेगा वो थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, डालना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं डालना चाहते तो नेक्स्ट टाइम मेरे से डिस्कस कर लीजिए। एक और न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, होमोजेनस रॉड एक्स वाई ऑफ लेंथ एल, मास एम इज पिवोटेड एट द सेंटर, करेंगे तो अच्छा है क्योंकि आपको मोस्ट ऑफली न्यूमेरिकल तो आएगा वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, आप करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मत कीजिए होमोजेनस रॉड ऑफ लेंथ एल, ये जो लेंथ है ये एल है, मास एम, इसका मास एम है, पिवोटेड एट द सेंटर, तो ये सेंटर सी पे ये पिवोटेड है, ओके, सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन, इनिशियली द रॉड इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, अ ब्लॉब ऑफ वैक्स ऑफ सेम मास एम एज दैट ऑफ द रॉड फॉल्स वर्टिकली विद स्पीड वी एंड स्टिक्स टू द रॉड मिडवे बिटवीन द पॉइंट सी एंड वाई, इफ द रॉड रोटेट्स विद एंगुलर ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा, व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड इन टर्म्स ऑफ ई एंड एल। भाई को समझ आया नहीं यार? ये समझा नहीं।
नहीं, आपकी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मैं कोई अभी उसके जेई और वो सब के क्वेश्चंस नहीं कर रहा। तो होमोजेनियस बेटा, होमोजेनियस रॉड एक्स वाई ऑफ लेंथ एल है, मास एम है, पिवोटेड एट द सेंटर सी सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन। तो आपने इसको ना ऐसे ही यहाँ पर पिवट कर दिया, तो ये अब जो वर्टिकल रॉड है वो ऐसे घूम सकता है। मधु जी समझ आया? हाँ सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। आपके दो बैच पहले वाले जो लोग हैं, 2 साल पहले चेंज हुआ सिलेबस, वो करके गए हैं ये सब न्यूमेरिकल्स। तो होमोजेनस रॉड एक्स वाई ऑफ लेंथ एल मास एम इज पिवटेड एट द सेंटर सी सच दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे करके ऐसे घूम सकता है। इनिशियली द रॉड इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस टाइम ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। मधु जी यहां तक समझ आ गए? हाँ सर। ओके। अ ब्लॉब ऑफ वैक्स ऑफ सेम मास एम एज दैट ऑफ द रॉड फॉल्स वर्टिकली। अब ये ऊपर से यहां पर आके जो ब्लॉब है वो गिरेगा यहां पर सच दैट। अच्छा, इसका जो ब्लॉब का जो मास है वो एम है। स्पीड वी, हाँ, एज दैट फॉल्स वर्टिकली विद स्पीड वी। तो यहां इसकी जो स्पीड है वो वी है। स्टिक्स टू द रॉड मिडवे बिटवीन पॉइंट सी एंड वाई। तो ये मिडवे बिटवीन पॉइंट सी एंड वाई, तो ये पॉइंट सी है आई थिंक, ये जो पॉइंट होगा वो वाई होगा। हाँ वाई होगा ना यार, क्योंकि ये रॉड उसने नाम उसका एक्स वाई रखा है, ये एक्स वाई है, ये एक्स है, कलर चेंज करता हूँ यार, ये एक्स है, ये वाई है, ये सी है, ये ब्लॉब है, ये वेलोसिटी वी से इसका मास है, इसका मास एम है, इसका भी रॉड का मास भी एम है। रॉड का मास भी एम है। तो ये इस पे गिरा सच दैट ये मिडवे है। तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज हाफ वे सी एंड वाई। मधु जी क्लियर? हाँ सर। इफ द रॉड रोटेट्स विद एंगुलर ओमेगा, ये जो रॉड है क्योंकि गिरी है तो ये घूमेगा ऐसे, इस साइड घूमेगी ये रॉड कितनी स्पीड से? ओमेगा से, ओमेगा से। हाँ सर। व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड इन टर्म्स ऑफ वी एंड एल, ये आपको निकालना है। आसान तो नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी फाइट हमारी है, नहीं समझ आएगा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मिस अरे ऑन कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो एक दो ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका होमवर्क है। ओके सर। एक और क्वेश्चन भी है यार वो तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, वो थोड़ा वो भी देख लीजिए। अभी मैं लॉजिक आपको मतलब एटलीस्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप थोड़ा हाथ पैर मारिए, क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्दन वेयर पॉट इज सेट टू रोटेशन एट एट 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। मिस्टर राम समझ आया? इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क। इसका मास है 10 kg और उसका जो रेडियस है वो है 0.4 meter। अ लंप ऑफ क्ले टेकन टू बी इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल ऑफ मास 1.6 kg फॉल्स ऑन, यहां पर ये गिरा एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। ये 1.6 kg का एट अ सर्टेन डिस्टेंस गिरा। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर ये बताओ, कैलकुलेट एक्स इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसके गिरने के बाद उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी कितनी? डायरेक्शन सेम ही है, हाँ डायरेक्शन सेम ही है, कितनी? 80 रेवोल्यूशन पर मिनट। मिस्टर रेवान कुछ समझ आया? ऊपर से फिर से निकल गया। मिस मधु समझा सर।
तो इसमें भी ये सारे जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसमें जो लगेगा वो लगेगा ही लगेगा, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। और ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे। ओके okay.